बता जरा क्या कहना चाह रही थी बता। पापा वो मैं क्या बोल रही थी कि मेरी और जीजाजी की बनती ना है भैया, अपना व्यवहार ठीक कर ले तो बन जाएगी। अरे नहीं यार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीजाजी से प्यार करती हूँ, हम दोनों ने शादी भी कर ली है। पंचम, तुम ठीक हो? हम ठीक है। लड़के कैसे लाए, झटके कैसे लाए? क्योंकि तुम फ्यूज बॉक्स से चिपक गए थे। धन्यवाद। चलो उठो। मेरे पैर कब टूटे? अरे बिजली के चक्कर में जान चला जाएगा लगता है। चल चलो उठाइए, पैर कैसे टूटे हमारे? अरे गैंडे मेरा। चलो 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 उधर मत छू। ये डंडी दीजिए। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप दोनों ऐसे चुप क्यों हैं? मैं जानती हूँ क्या बड़ा गुस्सा है, और आपका गुस्सा ना एकदम जायज है। मैं सच बता रही हूँ, मैं भी क्या करती हूँ। आप अपनी इकलौती बेटी के लिए एक नौकर को थोड़ी ना चुनते हैं, लेकिन नौकर भी तो इंसान होते हैं, कितने अच्छे हैं वो तो। प्लीज प्लीज जीजाजी को स्वीकार कर लीजिए, प्लीज प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी आपको नहीं बताया, लेकिन प्लीज प्लीज स्वीकार कर लीजिए, तो हमारी शादी भी हो गई है, हस्बैंड है वो मेरे। प्लीज मेरे तो भाग ही फूट गए। ये बता तू कैसे कर सकती है, तू अपने बाप के साथ ये बता। मैंने वो बस होता गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। सेठ जी हम अंदर आ सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ अंदर आ। सेठ जी हमारा एक सवाल था। हाँ जीजा जी। अब मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया आपने इलायची जी? सब कुछ बता दिया है। अब क्या सब कुछ? अरे वही जो बताना था सब कुछ बता दिया। क्या बताने वाले थे, हमें समझ में नहीं आ रहा। यही कि हम लोग शादी शुदा है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी? ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? सेठ जी हम तो पहले से शादी शुदा है, हमने कोई शादी वादी नहीं की है, हम कोई प्यार व्यार नहीं करते आपसे, क्या बोल रही हैं आप? जीजा जी ये क्या बोले जा रहे हो? देखो डरने की जरूरत नहीं, मैंने कहा तो मैंने बता दिया है, आप भी सच बताओ इन्हें प्लीज। सच बोल दीजिए। अब ये किस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं इस गरीब के साथ? देखिए इलायची जी, माना कि आप सेठ जी की बेटी हैं, लेकिन आपका कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से हमारे चरित्र पर उंगली उठाएं। आप प्लीज ऐसा मजाक मत करिए, सेठ जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, देख रही इलायची ये टंटन तो कुछ और ही बक रहा है। सेठ जी पंचम। अबे तेरा नाम लेने के पहले मैं अपना नाम भूल जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ तुझे दिख रहा है या क्या हो रहा है? सेठ जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये प्लास्टर लगा हुआ है वही तो हम पूछने आए थे आपसे, क्या चल रहा है? हाथ मिलाओ बाबा, हाथ मिलाओ यार, कमाल करते हो। पापा मुबारक हो, पास हो गए टेस्ट में, 10/10 मिले आपको। ओह माय गॉड। कौन सा टेस्ट? अरे वो ये टेस्ट ले रही थी मैं, एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टर ने बताया था कि आपका दिल एकदम फिट है, बस गैस चढ़ गई थी और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, लेकिन एक बेटी का दिल उसको थोड़ी ना तसल्ली होगी ऐसे ही। तो तू खुद छुरा ले आई भोंकने के लिए मेरे कलेजे पे? नहीं नहीं मैं तो टेस्ट ले रही थी कि आपका दिल इतना बड़ा शॉक झेल सकता है, लेकिन कमाल, मतलब तालियां बजाओ यार इनके लिए, कमाल किया है यार आपने, एकदम पास हो गया आप टेस्ट में, दिल बहुत ही स्ट्रांग है इनका। मम्मी इनको ना अनार का जूस दिया करो, उससे खून बनता है और दिल और स्ट्रांग हो जाता है। हाँ इतना बड़ा बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी दिल की मजबूती देखने के लिए, और ये सब बकवास कहानी क्यों सुना रही थी तू, ये बता पहले। मैं तो बस टेस्ट ले रही थी पापा, उसके लिए मैंने ईसीजी करवा लिया है।
ये बिजली के झटके देने की क्या जरूरत थी मुझे? भगवान का शुक्र है इलायची तू अब तक झूठ बोल रही थी, फिर तो भागी खुल गए। और चढ़ा ले अपनी लड़की को सर पे, अगर ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती तो आज खुद डॉक्टर होती, लेकिन ना उलूल जुलूल दिमाग में बातें आती है और इन चीजों में लगी रहती है ये। इसके चक्कर में आज ये खन खन को जो है सिर्ची पंचम। अबे मैं तेरा नाम खन खन ही लूंगा, पता क्या कर लेगा आज तेरे चक्कर में इस खन खन को जेल हो जाती। जेल? हमने क्या किया सेठ जी? तो मैंने भी तुझे कौन सी 10 साल की जो है काला पानी की सजा दिलवा दी, ये बता। पापा अपना रेस्ट कीजिए, मैं जीजाजी को ऊपर तक छोड़ के आती हूँ, चोट लगी है ना। चलिए जीजाजी। हाँ हम आते हैं लाइजी जी, आप चलिए। गुड नाइट। चलिए प्रणाम सेठ जी। आंटी जी बता, मेरी नींद उड़ा कर खुद गुड नाइट कहकर चली गई, कैसी लड़की है ये? अरे एक सेकंड प्लीज, अरे एक सेकंड प्लीज, आप हमारा हाथ छोड़िए। क्या पहले सिर्फ गाने ही गाते थे और अब नौटंकी भी शुरू कर दी, क्या हो गया? मतलब क्या, पूरे प्लान पे मिट्टी फेर दी इन्होंने? हम अच्छा खासा पापा को बताने वाले थे और अब देखो क्या कर दिया इन्होंने। क्यों आप क्या बता देंगे? अरे क्या बोल रहे हो, यही बोल रही हूँ ना कि पापा को हम सब बताने वाले थे, लेकिन देखा पापा के डर से फिर से इनकी हिम्मत पंचर हो गई। आप इलायची जी, सुनीता जी, देखिए हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। पंचर क्या कर दिया हमने? भाई तो बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो एक नंबर की चंट लड़की है यार। आप देखिए हमें यहाँ पर आए 4 दिन भी नहीं हुए और आपने हमारी नाक में इतना दम करके रखा हुआ है। वैसे हमने जब आपको पहली बार देखा था तो हमें ये लग गया था कि आप हमारे कुंडली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। Excuse me? क्या बोल रहे हैं? 4 दिन आए हुए हैं, कुंडली नहीं मिल रही, प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या हो गया है? ये कौन सा नया ड्रामा है, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज देखिए हम पराई लड़कियों के साथ कोई मजाक नहीं करते हैं, और आप तो हमारी सेठ जी की बेटी हैं। अरे यार ये क्या बकरा है तू? बुबू तुम चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो, इस तरह से बात करते हो तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, चुपचाप खड़ी रहो तुम, साले मत कर। इलू यार ये चीजा जी को हो क्या है? चोट पैर में लगी है, बिहेव ऐसे कर रहे थे, सर पे चोट लगी है। चोट तो पैर में लगी, लेकिन सच में क्या बिहेव कर रहे हो, ये क्या हो गया, सर में कुछ हुआ है? आप हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, हम आपसे वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं। बुबू ये हमारे चोट कैसे लगी है? सीरियसली ये भी बोल गए, चटंकी मामा ने कूद कूद के आपकी टांगे तोड़ी थी, इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो यार? कौन चटंकी मामा? चटंकी मामा मेरे मामा, चटंकी मामा क्या हो गया यार इन्हें, मैं ना उनका सर ही फोड़ दूंगी। अब देखिए हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रही हैं, ना हमारा आपसे कुछ लेना देना है ना चटंकी मामा से, हम किसी को नहीं जानते हैं। क्या लेना देना नहीं है, क्या हो गया, लेना देना नहीं है? अभी क्यों, अभी हम पापा को बताने वाले थे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, शादीशुदा हैं हम दोनों, और ये देखो यार मैं ऐसे कह रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। प्यार प्यार शादी ये क्या बोल रही हैं आप, थोड़ी देर में आप शायद कहेंगे कि हमारे आंगन में बंटी बबली भी घूम रहे हैं। आप देखिए प्लीज। यार किस गली में घुस रहा है तू? बुबू अब बुबू तुम्हें हमने कितनी बार बोला है ना इस तरह से मर्दों की आवाज प्रैक्टिस मत किया करो, इस आवाज में गाना नहीं गाना, चुप रहो बस तुम, चुप रहो। अब देखिए इलायची जी, सुनीता जी, जी देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि माना कि हमारा दिल काफी मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से हमारा टेस्ट लें। हेलो जीजा जी के वियर्ड बिहेव करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी सच सच बताओ, चुपके से टिका फिका तो नहीं लिया जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? 2 साल हो गए, मतलब से ज्यादा ही हो गए इस घर में, क्या हो गया? 2 साल ये क्या, देखिए प्लीज आप लोग हमारे से क्या बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, पहले ही अभी हम फ्यूज ठीक करते करते झटके खाए हैं और इतना करंट दौड़ रहा है इस समय हमारे शरीर में, हम जबान से जनरेटर स्टार्ट कर सकते हैं, प्लीज
अब हमें इस समय अकेला छोड़ दीजिए, हम बहुत तंग हैं इस समय, आप हमारी व्यथा और बढ़ा रहे हैं, प्लीज। बुबू हम जा रहे हैं। झटके खाए हैं? ये सब शौक की वजह से तो नहीं हो रहा है? अरे यार इलायची जी, क्या हो गया इसे? ये भटक गया है, सटक गया, अटक गया, क्या लटक गया, कुछ समझ ना आ रहा यार। क्या कर पड़ोगे जीजा जी के साथ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार, अरे यार इलायची जी, क्या हो गया इसे? ये बुबू क्यों बोल रहा था? यहाँ पे कोई है भी नहीं। मुझे पराई लड़की, मुझे तो पूछ ले आप सुनीता जी हो, नाम ही भूल गया मेरा। हाँ लगता ना भटक गया, इन्हें कोई और मिल गई है मुझे लगता। वो नहीं आ रही। तो आप लोगों के मुताबिक पंचम ने हाई वोल्टेज फ्यूज बॉक्स को छेड़ा, जिससे उसको हाई वोल्टेज करंट का झटका लगा, और उसके बाद से उसको अपना पुराना कुछ भी याद नहीं। जी डॉक्टर साहब, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। नॉर्मल? ये आपको नॉर्मल लग रहा है? ये तो नॉर्मल है, मेरी डॉक्टर यही कह रही है कि सब नॉर्मल है। सीरियसली? तो अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप माउंट एवरेस्ट से जाके कूद जाइए, तो आप कूद जाएंगे और वो नॉर्मल होगा, राइट? क्या बेहुदा बातें कर रही हैं आप भी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि चीजें जी कब तक ठीक होंगे? देखिए क्या है कि ये जो बिजली के जो झटके होते हैं ना, ये बड़े लटके वाले होते हैं, मतलब लटका के चलते हैं। हाँ, क्या होता है कई बार पेशेंट एक घंटे में ठीक हो जाता है ना, कई बार हफ्ते लग जाते हैं, और कई बार महीने लग जाते हैं, और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो कई बार आदमी ठीक भी नहीं होता। कभी ठीक भी नहीं होता, मतलब कभी ठीक नहीं होंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे यार इतने बड़े बड़े झटके उन्होंने सहे लाइफ में, और एक बिजली का झटका इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है? अब आपको करना ये है कि उनको किसी प्रकार का दिमाग में प्रेशर नहीं देना है, कुछ भी पुराना याद दिलाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो अपना दिमागी संतुलन खो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो आपको काट सकते हैं, आपको भी काट सकते हैं, कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, मतलब। मैं समझ गई समझ गई। हाँ, लेकिन उन्हें याद नहीं दिलाएंगे तो उनकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? पंचम के लिए जो सबसे पहले आपको करना है ना, वो क्या करना है पता है? पिछला कुछ भी याद दिलाने के लिए दिमाग में प्रेशर बिल्कुल मत डालिएगा, बाकी सब कुछ वक्त के हाथ पे छोड़ दीजिए। अगर वक्त पे सब छोड़ा तो लाइफ में टंटे हो रखे चीजा जी की। इलायची के पापा उठो, सुबह हो गई, अब क्या कस्टमर को यहाँ लेटे लेटे लहंगे दिखाओगे? अरे अरे करू, अरे रजाई, कर्मा गरम रजाई से बाहर निकलने का मन ना कर रहा मेरा। अरे इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है ना। लगता है शिमला में बर्फ गिरी होगी। हाँ, सुन जरा इधर आ। सुन हीटर का बटन दबा दे जाके। अरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा मैंने सोचा तुम्हें मुझ पे प्यार आया है। अरे प्यार ना है, हीटर का बटन भी तो दबाना था, मैं निकल ना पा रहा हूँ ना, और फिर मैंने ये सोचा कि तुझे अपने पास बुला लूं। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी तूने चर्बी जमा कर रखी है उससे ही थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी। इलायची के पापा मुझे इंसान से हीटर भी बना दिया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बस अब बहुत हो गया, चलो चल के नहा लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे ना 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 ना, सुन सुन सुन, ऐसे टाइम पे तू मुझसे नहाने के लिए मत कहा, पता है क्यों? तेरी वजह से जो है फिर ऐसे नहा लो करती है ना, तो मेरी नाक बहती रहती है, मैं तीन दिन में एक बार नहाऊंगा बस। अरे हद करते हो इलायची के पापा, बाथरूम में जाके एक डब्बा पानी डाल लो, बस हो गया नहाना। तो ठीक है फिर मैं कौवा स्नान करूंगा, बाल्टी में ऐसे सिर दिया और करके हो गया बस। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अरे सुन 5 मिनट थोड़ा और गर्मा लूं बस मैं, उसके बाद हाथ मुंह धो लूंगा। ठीक है चल चाय ले आ। अरे मैं बाद में पीऊंगा।
पीलू यार कितनी ठंड हो गई है ना, कितना मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है तुझे? ठंड की पड़ी है यहाँ, देख 7 दिन हो गए और जीजा जी की सुई वही एक जगह पे अटकी हुई है, कुछ याद नहीं आया उन्हें। ओ यार इतनी टेंशन क्यों ले रही है? देख ना तो तू इतनी आसानी से भूलने वाली चीज है और ना तू आसानी से जीजा जी को अपने आप को भूलने देगी। मैं तो चिल हूँ यार, लेकिन उनके दिमाग का जो ये तार है ना वो तो हट गया है ना, करंट भी नहीं दौड़ रहा है। मुझे देख के ऐसे अनदेखा करते हैं जैसे कि मैं पुराना फर्नीचर का एक टुकड़ा हूँ। बहुत हर्ट होता है। इनो देख जीजा जी को माफ कर दे। देख होश में तो ना उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि तुझे इग्नोर कर जाए। अब अगर मेमोरी नहीं तो क्या कर सकते हैं? पर बुरा तो लगता है ना यार, जो बंदा मतलब मेरा पति इतना प्यार से मुझे देखता था अब भक्ति भावना के साथ मुझे देखता है, ऐसा लगता है अभी आके पायला गुना कर दे। हद होगी। जीजा जी के तुझे पायला गु करने वाली सेल्फी। स्माइल करना यार, स्माइल कर, जोर से स्माइल कर, स्माइल कर, स्माइल स्माइल स्माइल। इलायची सांजू, इलायची सांजू, इलायची। ए दो चार स्वेटर और पहन ले जाके, चलो यहाँ से। इसको अलग ही लेवल की ठंड लगी पड़ी है। कुल्फी जम गई। अरे ठंड हो गई है भैया। हेलो मैडम, क्या चल रहा है? चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है आइडिया। तू तो क्या करने वाली है? वही जो 2 साल पहले किया था। वो मतलब अब तू फिर जीजा जी की बहन बचेगी? छोड़ दे यार, मत कर। मेरी बदमाशियों शैतानियों से तो जीजा जी मेरी तरफ खिंचे चले आए थे, अब देखना वापस से इतिहास दोहराया जाएगा, प्यार की एक नई कहानी लिखी जाएगी मेरे हाथों। और ये भी तो हो सकता है कि पुरानी ईलू को देख के जीजा जी का जीजा जी की आताश वापस आ जाए। Exactly. लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। अरे हाँ भैया, गरम पानी डाल लें। आप अंदर है? मुझे पता नहीं था, मैं कुल्ला कर रही थी, सॉरी। ये कौन सा तरीका है कुल्ला करने का? आपने बताया नहीं कि आप मुझे पिचकारी मार के आसमान गीला कर रही थी? अपना अपना स्टाइल होता है जीजा जी। कोई बात नहीं, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आपको, अजीब ही है यार, ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हमारे ऊपर इतनी सर्दी में। ये क्या तरीका, आप क्या कर रही हैं? अब वो मैंने सोचा कि ठंड में ठंडा पानी डालने से ना ठंड भाग जाती है, तो आप आराम से नहा लो। और थैंक यू नहीं बोलना मुझे प्लीज। अच्छा हाँ इलायची जी, आपको क्या हमारे मुंह में दूध की बोतल नजर आ रही है? नहीं आप बच्चे थोड़ी हो, तो आप हमारे साथ ये बचकाने वाली हरकतें क्यों कर रही हैं? बचकाने हरकतें, हाउ क्यूट। इलायची जी प्लीज, आप इस तरह का मजाक हमारे साथ मत करिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है मैं अब नहीं फेंकूंगी, सॉरी। प्लीज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने दोबारा किया तो हमें
मजबूरन सेठ जी को जाके सब कुछ बताना पड़ेगा। अजीब है यार, क्या बदतमीजी है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी सबक सिखाते हैं। अब आया मजा।